हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक ने बच्चों के वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी जो मांगी थी उसे लेकर एक्सपर्ट पैनल ने हरी झंडी दे दी है। अब भारत बायोटेक 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू करेगा। ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स में शुरू होगा और इसके अलावा नागपुर के मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में भी बच्चों के लिए इस वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो जाएगी। लेकिन देश के लोगों के मन में सवाल यह है कि बच्चों का टीका कब आएगा, इसके ट्रायल में कितना वक्त लग जाएगा, और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के डॉक्टर संजीव सिन्हा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, और मेदांता हॉस्पिटल में बच्चों की डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सिन्हा, सबसे पहले तो सवाल यही है कि ये जो ट्रायल है कब शुरू हो जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा इसमें? सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रायल है ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी DCGI के द्वारा ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है और ये ट्रायल DCGI को अप्रूवल फाइनल अप्रूवल के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, ये ट्रायल दो साल के बच्चों से 15 साल के बच्चों के बीच होगा और इस ट्रायल में जो अभी तक जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, यू नो वी हैव वैक्सीन लाइक कोवैक्सीन, कोविशील्ड, नाउ वी हैव गॉट द असाइनमेंट ऑफ कोविशील्ड ऑल्सो, सो वी हैव 3 वैक्सीन इन कंट्री, बट ऑल दीज 3 वैक्सीन वी कैन नॉट गिव इन द पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप, वी कैन गिव ऑन। सर, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो 18 साल से ऊपर की उम्र है उन्हीं को ये हम 3 वैक्सीन दे सकते हैं, जैसे जिनको मैंने बताया, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और एक और वैक्सीन अपने कंट्री में आ गई है, स्पुतनिक वैक्सीन। सो अभी जो ये नया ट्रायल भारत बायोटेक करने जा रहा है तो इसका होपफुली वेरी सून दिस विल स्टार्ट, और आने वाले समय में फिर जैसे हमने पहले देखा कि एडल्ट में जो वैक्सीन यूज करी जा रही हैं वो बहुत जल्दी ही मार्केट में आ गई थी विद इन 6 मंथ्स, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले अगले 6 से 8 महीनों में ये वैक्सीन आ जाएगी। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइजर जो है ये इंटरनेशनल कंपनी है, इन्होंने वैक्सीन बनाया है अगेंस्ट कोविड, और अमेरिका के अंदर इन्होंने ऑलरेडी ट्रायल कर लिया है 12 से 15 साल के बच्चों के बीच, फेज 3 ट्रायल हो गया है और FDA अमेरिका ने इसको अप्रूव कर दिया, तो ये ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल हो गई है मार्केट में बच्चों के यूज करने के लिए। तो आपका ये कहना है कि जो ट्रायल बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा कोवैक्सीन का, 2 से लेकर 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल किया जाएगा, उसको आने में 6 से 8 महीने का वक्त लग जाएगा। डॉक्टर नीलम, ये तो डिपेंड करता है, ये एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि जो हम ट्रायल्स करते हैं उसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग एक्सेप्ट करते हो सकता है इससे पहले भी आ जाए और गवर्नमेंट इमरजेंसी यूज के लिए उसको परमिशन दे दे। जी, तो वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट। जी डॉक्टर नीलम, जिस तरह से हमें पता लगता है कि जो फाइजर है वो 12 से 15 साल के बच्चों का उसमें जो हम देख रहे हैं कि कैटेगरी है जहां पर दी मिलेगा, लेकिन कोवैक्सीन 2 से लेके 18 तक जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ज्यादा आपके जो सिटीजन है या नागरिक है उसमें आ रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि इवन जो पहली बात तो जो फाइजर वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन वेक्टर बेस्ड है और जो कोवैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, ठीक है। तो USA में फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना दोनों के ट्रायल्स चल रहे हैं छोटे बच्चों में भी, विच इज 6 मंथ से 12। लेकिन क्योंकि फाइजर वैक्सीन में 12 साल के ऊपर लास्ट ईयर ही स्टार्ट कर चुके थे अपने ट्रायल्स, इसीलिए बेसिकली फेज 2 ट्रायल्स होते हैं जब आप थोड़े हंड्रेड्स ऑफ पॉपुलेशन में उनकी सेफ्टी और इम्यूनोजेनिटी टेस्ट करते हैं। तो 2250 बच्चों में 12-15 ये स्टडी की गई वहां पे USA में, और अराउंड 750 15-16 साल के बच्चों वालों में हुई है। तो फेज 3 होता है जब आप थाउजेंड्स के नंबर पे जाएं और उनको देखें। तो 10 मई को फाइजर की वैक्सीन 12 साल और ऊपर से अप्रूव हो चुकी है, और अगर आप देखेंगे मॉडर्ना वैक्सीन
लेकिन मैडम इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया में जो कोवैक्सीन है, तो आपको क्या लगता है कोवैक्सीन जिस तरह से सक्सेसफुल रहा है एडल्ट्स के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये भी बच्चों के लिए ऊपर भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा? जी, बिकॉज ये बच्चों की जो इम्यून रिस्पॉन्स रहता है वो अडल्ट से काफी ज्यादा अधिक होता है, तो देयरफॉर बहुत जरूरी बन जाता है जब आप ये वैक्सीन ले तो कितनी डोज ले, क्या वो सेम ले या कम ले, और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट करना जरूरी है। चलिए, आपने बहुत अच्छी चीज एक बताई है, मैं डॉक्टर संजीव से इस पर जरा एक जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर संजीव, जो बच्चों का जो होगा ये टीकाकरण या फिर उनके लिए जो वैक्सीन है और हमें जो वैक्सीन लग रहा है कोवैक्सीन जो लग रहा है एडल्ट्स को, क्या डिफरेंस है उसमें, क्या अंतर है? नहीं, जैसे डॉक्टर नीलम ने बताया अभी कि इम्यूनोजेनिसिटी देखनी पड़ती है, बच्चों में ज्यादा होती है, तो ये डिफरेंट एक ट्रायल है, ये एडल्ट ट्रायल की तरह नहीं होगा। इसकी जो है इम्यूनोजेनिसिटी और चीजें हैं जो डोजिंग है वो सब ट्रायल करी जाएगी बच्चों में, और उस तरह से हम लोग को आगे चल के देखना होगा इसका रिस्पॉन्स। डॉक्टर नीलम, इसमें क्या अलग होता है? होपफुल, ठीक है, मैं डॉक्टर नीलम से जानना चाह रहा हूं कि दो अलग अलग टीके होंगे या कि एक ही टीका होगा जो लगेगा बच्चों को और बड़ों को? चांसेस काफी होते हैं कि 12 इयर्स के ऊपर सेम डोज लगे, जो बाहर से एक्सपीरियंस आ रहा है, लेकिन छोटों बच्चों में, इसीलिए जब भारत बायोटेक ने पहले अपना प्रोटोकॉल पेश किया था फरवरी 28 को डीसीजीआई, तब उनको प्रोटोकॉल पे अप्रूवल नहीं मिला गया था, उन्होंने बोला था कि रिवाइज प्रोटोकॉल लेके आए, वो रिवाइज प्रोटोकॉल दिया गया उनको मई 10th को, जो कल ट्यूजडे के दिन, और उस पे उन्हें अप्रूवल मिली है रिवाइज प्रोटोकॉल, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि जो इंटरिम रिजल्ट्स हो, इंटरिम रिजल्ट्स मतलब जो आपके इम्यूनोजेनिसिटी सेफ्टी के जो इंटरिम रिजल्ट्स है वो पहले शेयर किए जाएंगे बिफोर वो फेज 3 पे पहुंचे। डॉक्टर संजीव, जिस तरह से ट्रायल शुरू होने जा रहा है, तो इसमें आप लोग किस तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं बच्चों को लेकर, जो क्या हेल्दी जो होते हैं उन पर सब्जेक्ट्स पे ट्रायल होता है या फिर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उन पर करते हैं ट्रायल? नहीं, ये देखिए डिपेंड करता है ट्रायल पर, ये आई थिंक दिस इज अ डबल ब्लाइंडेड ट्रायल रन बाय कंट्रोल ट्रायल, और इन ट्रायल्स में ये होता है एक केस होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, तो उस तरह से आगे चल के हम लोग ट्रायल करते हैं, और डिपेंड करता है, आई हैव नॉट रेड द फुल प्रोटोकॉल सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट इट्स डिपेंड कि सारे ही वो हेल्दी भी ले सकते हैं या केस कंट्रोल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर सकते हैं, तो इट्स आई एम नॉट श्योर, डॉक्टर नीलम कैन कमेंट। जी डॉक्टर नीलम, यही हम जानना चाहते हैं कि जो ट्रायल होगा किस तरह से आप लोग सब्जेक्ट इसमें चूज किए जाएंगे बच्चों को लेकर, जिससे कि जी अमित जी, ऐसे होता है जो फेज 2 ट्रायल होता है वो अधिकतर हम जब सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट करते तो पेशेंट पे नहीं करते, तो वो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में ही लोग बच्चों में ही टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद वो मैंने आपको कहा वो हंड्रेड्स पे होता है, उसके बाद जब फेज 3 ट्रायल होता है वो थाउजेंड्स में, तो तब रैंडमाइज कंट्रोल दिया जाता है कि इतने थाउजेंड बच्चे को वैक्सीन लगती है और इतने थाउजेंड को नहीं लगती है, तो देखते हैं कि किसमें इंफेक्शन की संभावना है। तो जैसे फाइजर का ट्रायल हुआ था 2500 पे, तो उसमें जो 13 बच्चों को हुआ था वो जिनको प्लेसिबो मिला था 13 या 15 उनको हुआ था, और जिनको वैक्सीन दी गई 100% उनमें किसी को नहीं हुआ। That's how we say randomized control trial. हम किसी को प्लेसिबो देते, किसी को वैक्सीन देते और देखते कि उनमें से किसको इन्फेक्शन हुआ वो फेज 3। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डॉक्टर संजीव, भारत में कोवैक्सीन को मौका मिल गया है कि अब वो बच्चों पे ट्रायल करेंगे 2 से लेकर 18 तक, हमारे यहाँ पर अब कोविशील्ड भी है, तो कोविशील्ड या फिर स्पुटनिक है, क्या इनको भी आगे चल के ट्रायल के लिए गो अहेड मिलेगा, हरी झंडी मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए जैसे आपको काफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल कि ये सेकेंड वेव के बाद देयर आर चांसेस ऑफ थर्ड वेव ऑफ अपसर्ज, सो अभी ये उम्मीद करी जा रही, जैसे आपने देखा कि पहले अपसर्ज में एल्डरली पेशेंट में ज्यादा हमने देखा कोवैक्सीन, बट अब देखिए आप उनको गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको पहले वैक्सीन दिया गया तो उनको इन्फेक्शन कम हो रहा है, या अगर जिन लोगों को वैक्सीन देने के बाद इन्फेक्शन हुआ है बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है और वो कंट्रोल में आ गया, उनको कोई सीरियस इलनेस नहीं हुई। इसी तरह आप देखेंगे इस सेकेंड अपसर्ज में
हम लोग ने देखा है कि जो मिडिल एज ग्रुप है उसको ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है और बच्चों में 12 साल के ऊपर वाली एज में ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक ये भी है क्योंकि इस एज ग्रुप में अभी हम लोगों ने हर पॉपुलेशन को नहीं दिया है वैक्सीन, आने वाले समय में गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है और बहुत ही जल्दी हम सोचते हैं कि इनको भी वैक्सीन मिलेंगी और कुछ लोगों ने रिसीव भी कर लिया। इसी तरह हम लोग ये सोच रहे हैं कि थर्ड वेव में हो सकता है छोटे बच्चे या पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप को ज्यादा इन्फेक्शन हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है और अभी से उन्होंने आगे के लिए प्लान करके ट्रायल करने शुरू कर दिए हैं और अभी कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने परमिशन दे दी है और हो सकता है आने वाले समय में, जैसे आपने ये इस बात को उठाया, कोविशील्ड कोवैक्सीन और जायडस भी वैक्सीन बना रहे हैं और भी कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं वो भी पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप में अपने ट्रायल कर। अच्छा डॉक्टर नीलम, क्या आपको लगता है कि जिससे कोविशील्ड को भी मिल जाए ट्रायल के लिए तो बेहतर होगा? राइट, देखिए ऐसे है कि थोड़ा सा मुद्दा ये उठ रहा है तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि लोग थोड़ी सी नाराज हो रहे थे कि थर्ड वेव का मुद्दा क्यों उठाया गया जब सेकेंड वेव ही नहीं खत्म हुई। तो कॉमन सेंस से पहली वेव में जब हमें आया था हमारे पास पीपी किट और मास्क नहीं थे, सेकेंड में आया तो सारे दुनिया में हमारी काफी लैंसेट तक पेपर में मजाक उड़ाया गया कि क्यों पॉलिटिकल और ये रैलीज हुई और क्यों सेकेंड वेव हुआ। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स अब ये एक तरीके से अपनी ये लगा रहे हैं कि वर्ल्ड में यूरोप में अब थर्ड फोर्थ वेव आई है और हर पेंडेमिक में वेव्स आती हैं, तो इसीलिए ये कॉमन सेंस से लगाया जा रहा है। क्या बच्चों को होगा? देखो चाहे बच्चे यूएसए में 3 लाख के ऊपर इन्फेक्शन में 303 मरे, मेरा ये कहना है कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन 40 करोड़ बच्चे हैं तो हम कैसे किसी को भी मरने दें, चाहे वो आंकड़ा 0.01% हो। तो इसीलिए बच्चों को हक है उस वैक्सीन का जिस तरीके से बाप मांग रहे हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जैसे ही हम कोवैक्सीन को दे रहे हैं, लेकिन अगर मॉडर्ना और फाइजर 2 to 12 years में जो अप्रूव हो गई है हमें ओपन कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो वैक्सीन थोड़ी सी अधिक हो और कोवैक्सीन सस्ती हो तो वो देश को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस तरीके से लाइव मिलाकर, आपकी बात बिल्कुल सही ये है कि जिस तरह से बड़ों को वैक्सीन लग रहा है ताकि वो कोविड यानी कि कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके, उसी तरह से बच्चों पर भी खतरा है इस इन्फेक्शन का। तो जो बच्चों के लिए कोवैक्सीन को जिस तरह से हरी झंडी मिली है, तो बाकी जो अभी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है वैक्सीन, उस पर भी बच्चों को लेकर ट्रायल होना चाहिए और कुछ को तो विदेशों में मिल ही चुका, जैसे फाइजर आप जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब अजय कुमार के साथ देखिए जीतेगा इंडिया, नेगेटिव खबरों की बाढ़ के बीच आपका हौसला बढ़ाने वाली पॉजिटिव खबरें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।